इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्डर प्रेफरेंशियल लोकेशन के लिए, कार पार्किंग के लिए, कॉमन एरिया के लिए और दूसरी फैसिलिटी के लिए हायर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। वेस्ट बंगाल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक रूलिंग पास की है बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के केस में, जो कि 2 मई 2019 को डिलीवर की गई है। इस केस में एप्लीकेंट के द्वारा वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड के साथ रियल स्टेट प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। इस रियल स्टेट प्रोजेक्ट में दूसरी सर्विसेज भी दी जा रही थी, जैसे कि प्रेफरेंशियल लोकेशन सर्विस, सब्सिडी ऑफ फ्लोर रेजिंग, डायरेक्शन एडवांटेजेस एक्सेट्रा। इस केस में एप्लीकेंट के द्वारा ये कहा गया कि क्या पूरी सर्विसेज को कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा, जिसमें कि प्रिंसिपल सप्लाई कंस्ट्रक्शन सर्विस होगी, और क्या वह जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अबेटमेंट दी गई है यानी कि कम जीएसटी का रेट है, वो पूरी सप्लाई के ऊपर अप्लाई कर सकता है। इस केस में एप्लीकेंट के द्वारा ये कहा गया कि LIG और MIG हाउस के लिए तो प्राइस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, लेकिन जो HIG कैटेगरी के फ्लैट्स हैं यानी कि हायर इनकम ग्रुप के लिए, उन केस में प्राइस एप्लीकेंट के द्वारा डिटरमिन किया जाता है। वो एक ही सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस चार्ज करता है, जिसमें कि व्यक्ति को HIG फ्लैट दिया जाता है। इसके अलावा उसको ये अधिकार भी होता है कि वे कार पार्किंग स्पेस को यूज़ कर सकता है, इसके अलावा कॉमन एरिया को यूज़ कर सकता है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी जो वहाँ पे है उन्हें भी यूज़ कर सकता है। इस केस में HIG फ्लैट के लिए ही एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया गया है। इस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा 2 सब सेक्शन 30 को रेफर किया गया जीएसटी एक्ट में, जहाँ पे के कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि यदि गुड्स या फिर सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई किया जाता है, जहाँ पे के एक सर्विसेज जो है वो दूसरी सर्विसेज के साथ नेचुरली बंडल्ड होती है, जहाँ पे कि एक सर्विसेज जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है। यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब है कि वह सप्लाई जो कि प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है सप्लाई में, और जो दूसरी सप्लाइज हैं वो उसके साथ बंडल्ड होती हैं, यानी कि एंसिलरी होती हैं प्रिंसिपल सप्लाई के साथ। यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड क्या होता है, इसे जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। इस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने देखा कि जो कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड की जाती है इस केस में एज ए बंडल जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे कि जो बायर होता है फ्लैट का वो इंडिविजुअल सर्विसेज को एंजॉय तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह ड्वेलिंग यूनिट को परचेज नहीं कर लेता है। इस प्रकार हालांकि बायर को यह ऑप्शन दी जाती है कि वो कार पार्किंग स्पेस के लिए अलग से पे कर सकता है यदि वो चाहता है, लेकिन वो उसे तब तक इंजॉय नहीं कर सकता जब तक कि ड्वेलिंग यूनिट को परचेज नहीं किया जाता है। इसी प्रकार ही यहाँ पे बायर को दूसरी सर्विसेज भी दी जाती हैं, जैसे कि कॉमन एरिया फैसिलिटी, जैसे कि लैंडस्केप, गार्डनिंग, जिम, कॉन्फ्रेंस हॉल, क्लब, स्विमिंग पूल एक्स्ट्रा। ये भी जो है एक बंडल सर्विसेज हैं जो कि तभी प्रोवाइड की जाती हैं यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फ्लैट है वो बुक कर लिया जाता है। इस प्रकार ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो नेचुरली बंडल्ड हैं एक दूसरे के साथ। इस प्रकार इस केस में 34 एडवांस रूलिंग ने ये रूलिंग दी कि एक कॉम्पोजिट सप्लाई है और पूरी वैल्यू जो है कॉम्पोजिट सप्लाई की उसके ऊपर एक ही जीएसटी का रेट लगेगा, यानी कि इसे कंस्ट्रक्शन सर्विस ट्रीट करने के बाद जो नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में पैराग्राफ नंबर 2 के अंतर्गत सीरियल नंबर 3 क्लोज 1 के अंतर्गत रेट दिया गया है, वह पूरी सप्लाई के ऊपर रेट अप्लाई होगा। इस रूलिंग को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस प्रकार 1 अप्रैल 2019 के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में अमेंडमेंट कर दी है, यानी कि यदि कोई अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो उसके इसमें 0.75% CGST लगेगा, 0.75% SGST लगेगा। यदि वैल्यू ऑफ लैंड जो है वो कस्टमर से चार्ज नहीं की जा रही है, जो टोटल प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसमें यदि वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूड की जा रही है तो 0.5% CGST और 0.5% SGST चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं अपार्टमेंट की जो कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है अदर देन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, तो 3.75% CGST और 3.75% SGST लगेगा। लेकिन यदि यहाँ पे वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूडेड है तो 1/3 उसमें से लेस किया जाएगा रेट में से, और 2/3 के ऊपर ही आपको GST पे करना होगा। इस केस में बिल्डर को जो जीएसटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा ही पे करना है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकता है।
लेकिन जो प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2019 से पहले स्टार्ट हो गए थे उस केस में उन्हें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहा जाता है, और उस केस में बिल्डर को ऑप्शन दी गई है कि वो पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग भी जीएसटी पे कर सकता है या फिर नई स्कीम के अंतर्गत भी जीएसटी पे कर सकता है। यदि वो पुरानी स्कीम को ऑप्ट कर लेता है 10 मई 2019 तक और वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की के अंतर्गत किसी अपार्टमेंट की, तो 6% CGST पे करना है, 6% SGST से पे करना है और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। और यदि वो किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उस केस में वो 9% CGST पे करेगा, 9% SGST पे करेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट वो ले सकता है। इस प्रकार 1 अप्रैल 2019 के बाद यदि आप अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपको 0.5% CGST पे करना होगा, 0.5% SGST पे करना होगा, और इस केस में बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। और यदि अदर देन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है या कमर्शियल अपार्टमेंट है तो उस केस में आपको 2.5% CGST और 2.5% SGST पे करना होगा, या फिर IGST 5% के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सरकार 1/3 जो है वो रिबेट देती है वैल्यू ऑफ लैंड के लिए। यदि वैल्यू ऑफ लैंड के लिए कस्टमर से जो अमाउंट है वो चार्ज किया जाता है वो टोटल प्राइस में इंक्लूडेड होता है, तो ये GST के रेट अप्लाई होंगे। इस रूलिंग के आने से पहले जो बिल्डर थे वो कार पार्किंग कॉमन एरियाज़ पर 18% के हिसाब से GST ले रहे थे, लेकिन इस रूलिंग के आ जाने के बाद बिल्डर्स को चाहिए कि एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करें और जो कॉम्पोजिट सप्लाई के ऊपर GST के रेट हैं उसके अकॉर्डिंग GST पे करें। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।